हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बावर्ची स्टाइल चिकन ग्रेवी बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। इसको एक बार बना के ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही थिक ग्रेवी भी बनती है। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया है, 2 बड़ी और 4 मीडियम साइज़ की प्याज को लेकर बारीक बारीक काट लिया है, 3 टमाटर लेकर चॉपर में हम चॉप कर लेंगे या आप मिक्सर जार में पीस भी सकते हैं, और इन सबको एक साइड हम रख देंगे। इसके बाद हम एक बर्तन लेके उसमें 75 ग्राम ऑयल डालेंगे। इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को एकदम गोल्डन ब्राउन भूनना है। जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। फिर उसी तेल में हम 4 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और चटक जाने पर हम उसमें चिकन को डाल के भूनेंगे। फिर उसमें हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर भूनेंगे। और यहीं पर हम उसमें अपना चॉप किया हुआ टमाटर को भी डालकर अच्छे से भूनेंगे। जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए, हम अच्छे से उसको भून लेंगे। जब भुन जाएगा तो उसमें 1 कप से थोड़ा कम हम दही डालकर अच्छे से भून लेंगे। दही बहुत खट्टी नहीं है, नॉर्मल है। फिर जब तक हमारा चिकन भून रहा है तब तक हम चॉपर में तली प्याज को भी डालकर चॉप कर लेंगे। इसको भी हम ग्रेवी में डालकर ऐड कर देंगे। और अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारी ग्रेवी थिक ना हो जाए। इसमें हरी धनिया डाल देंगे और पानी को भी ऐड कर देंगे जितना हमें ग्रेवी चाहिए। 10 मिनट धीमी आंच पर हम गोश्त चिकन को गलने देंगे। उसके बाद हम गैस को बंद करके 1/2 टीस्पून केवड़े जल को डालेंगे। इससे इतना अच्छा एरोमा आता है कि इस एरोमा से ही आपको भूख लग जाएगी। बहुत ही टेस्टी डिश बनकर तैयार होती है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चिकन को देख के ही भूख लग जाएगी, तो बावर्ची स्टाइल चिकन आप भी ट्राई ज़रूर करें। Thank you.